हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विशाखा और आज हम बनाएंगे स्वीट एंड स्पाइसी टोफू की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम इतना टोफू लिया है, तो मार्केट में आसानी से मिल जाता है टोफू। तो पहले ना हम इसमें से जो मॉइस्चर है उसे हम कम करेंगे। तो किचन टॉवल पेपर ले या फिर कोई भी कपड़ा ले। अब इसके ऊपर हम भारी चीज़ रखेंगे और इसे कुछ 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। थोड़ी देर के बाद किचन टॉवल पेपर को निकाल लेंगे। टोफू को हम चौकोनी शेप में कट कर रहे हैं। ये दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा ही होता है, बट सोया मिल्क या फिर सोया दही से टोफू बनाते हैं। ओके, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, तो इसे अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच इतना कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च से ये क्रिस्पी बनेगा। बस थोड़ी सी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर है वो भी डालेंगे और नमक डालेंगे। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो कॉर्न स्टार्च नहीं हो आपके पास तो आप इसमें मैदा या फिर चावल का आटा रहता है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ना ये फ्राई करने के बाद क्रिस्पी होगा। देखिए अच्छी तरह से कोट हुआ है। अब पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तो इसमें हम तेल डालेंगे। दोस्तों इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो बस थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो एक एक करके टोफू के पीसेस है उसे हम रखते जाएंगे। तो मध्यम आंच पर रखकर हमें इसे फ्राई होने देना है। जब तक कि चारों तरफ से क्रिस्पी नहीं होता है तब तक इसे हमें पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो कुछ 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम फ्राई होने देंगे। तो देखिए टोफू है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल कर हम इसे किचन टॉवल पेपर पे रख देंगे। अब एक बर्तन में 1 बड़ा चम्मच इतना कॉर्न स्टार्च है वो डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद सिरका, 1.5 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप है वो डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इतना हम चीनी डालेंगे। अब इसमें हम 1/3 कप इतना पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च से थिकनेस आएगा। तो ये हमारी स्लरी बनके तैयार है। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में। अब पैन में ना जो तेल बचा था इसी में हम 1 छोटा चम्मच इतना बारीक कटा हुआ लहसुन है वो डालेंगे और इसी के साथ 3 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, 4-5 काजू के टुकड़े हैं वो भी डालेंगे इसी में। तो कुछ मिनट्स के लिए इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च है वो डालेंगे। चाहे तो आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी प्याज है वो भी डाल रही हूँ। तो चूल्हे को तेज आंच पर रखकर इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। शुरुआत में हमने जो स्लरी बनाई थी वो डालेंगे इसमें। ये डालने के बाद चूल्हे को हमें तुरंत ही धीमी आँच पर कर देना है। इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। अगर आपको सॉस बहुत ही गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। यहाँ पर हमारा सॉस तैयार हो चुका है, तो इसमें हम फ्राई किए हुए टोफू के पीसेस है वो डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी हरी प्याज भी डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे सॉस में। तो बस ये तैयार हो चुका है, तो चूल्हे को कर लेते हैं बंद और ऊपर से हरी प्याज और तिल डालकर गार्निश करेंगे।